13 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। खबर के अनुसार पास होने पर भी रेलवे कर्मचारी माने जाएंगे बिना टिकट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अधिकतर रेलवे कर्मचारी पास पर यात्रा करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पास होने के बावजूद भी रेलवे कर्मचारियों को बिना टिकट माना जाएगा। ऐसा आदेश यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो क्यों रेलवे कर्मचारियों को पास होने के बावजूद बिना टिकट माना जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी रेलवे बोर्ड के इस बड़े कदम के बारे में जान सकें। दोस्तों, खबर के अनुसार रेलवे कर्मचारी ई यात्रा पास होने पर भी बिना टिकट माना जाएंगे। टीटी जुर्माना लेने के बाद डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए भी रेल प्रशासन को पत्र भेजेगा। इसके बाद बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। रेल प्रशासन धीरे धीरे कागज रहित कार्य कर रहा है। इसके तहत रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा करने के लिए मिलने वाले मैनुअल पास को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके बदले में ई पास की सुविधा रेलवे कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से HRMS का उपयोग कर ई पास ले सकता है। उसकी संख्या के आधार पर रेलवे कर्मचारी बुकिंग काउंटर या फिर ई आरक्षण टिकट ले सकेगा। इसमें रेलवे कर्मचारी को कोई किराया नहीं देना होता है। अब रेलवे प्रशासन ने ई पास से ट्रेन में यात्रा करने के अधिकार को समाप्त कर दिया है। ई यात्रा पास लेकर ट्रेन में यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों को बिना टिकट माना जाएगा और उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना लगाने वाले TTE को रेल प्रशासन को भी सूचना भेजनी होगी और उसके ही आधार पर रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। यानी कि अब रेलवे कर्मचारी पास होने के बावजूद भी बिना टिकट यात्रा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने पास पर भी टिकट लेना होगा और टिकट लेने के बाद ही एक रेलवे कर्मचारी ट्रेन में यात्रा कर पाएगा। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को पास के साथ में पाया जाता है, यानी कि बिना टिकट के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और यहां पर अब जो नियम है वो इस प्रकार हैं कि रेल प्रशासन ने मैनुअल यात्रा पास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है और बिना टिकट घोषित होने पर कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक के द्वारा कहा गया है कि ई यात्रा पास पर कर्मचारी ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ई यात्रा पास से कर्मचारी को आरक्षण टिकट लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। तो इस तरीके से अब रेलवे कर्मचारी पास पर जर्नी नहीं कर पाएंगे, उन्हें जर्नी करने के लिए टिकट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी 13 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके अलावा रेलवे बोर्ड के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।